Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So if you are new here, hi, I am Sustava Roy and welcome to another video. So आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही glowing western look share करने वाली हूँ जिसको मैंने pair up किया है with a black one piece and this is another video from the lookbook series of Durga Puja 2022 and so without any further ado, let's get started. So as usual यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा late हो चुकी थी and इसलिए आज मैंने पहले ही अपना outfit पहन लिया है and the फर्स्ट थिंग दैट आई एम अप्लाइंग इज द मॉइस्चराइजर. मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ. नेक्स्ट यहाँ पे मैं अपने आईब्रोज को फिल इन कर रही हूँ विद अ ब्लैक आई शेडो. नेक्स्ट टाइम अप्लाइंग कंसीलर. तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अच्छे से अपने आईब्रोज को क्लीन कर दूंगी कंसीलर के मदद से और डिफाइन कर दूंगी एंड फिर आईलिड्स पे भी अच्छे से कंसीलर को अप्लाई कर दूंगी ताकि आई शेडो का बेस अच्छे से रेडी हो जाए. देन कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छे से अपने आईलिड्स को सेट कर दूंगी. नाउ स्टार्टिंग विद द आई मेकअप. सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पीची पिंक कलर का शेड ले रही हूँ एज ट्रांजिशन एंड उससे मैं अच्छे से अपने पूरे आईलिड्स पे अप्लाई कर लूंगी. नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एक डीप पिंक कलर का शेड एंड उससे मैं सबसे पहले अप्लाई करूँगी अपने इनर कॉर्नर्स की तरफ फिर ग्रेजुअली कलर को पूरे आईलिड्स पे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी. और फिर नेक्स्ट यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक गोल्डन शिमर शेड एंड जिसे मैं सिर्फ अपने आईलिड्स के सेंटर पोर्शन में ही अप्लाई करूँगी. नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग फाउंडेशन. एट दिस पॉइंट मेरा स्किन बहुत ही वाइटिश लग रहा होगा आप लोगों को बट दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइटिंग एंड फाउंडेशन जो है वो टाइम के साथ साथ स्किन में ऑक्सीडाइज हो जाता है. सो डू नॉट वरी अबाउट द वाइटिश इफेक्ट दैट इट इज़ गिविंग इट ऑन माई फेस. ये ग्रेजुअली अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा स्किन के साथ एंड फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ कॉन्टोरिंग क्रीम कॉन्टोरिंग विथ माई फेवरेट स्टिक फ्रॉम किस ब्यूटी एंड इस कॉन्टोर्स को मैं अच्छे से अपने स्किन में ब्लेंड इन कर लूँगी. नेक्स्ट अप्लाइंग ब्लश विथ द लिपस्टिक फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड. नाउ अगेन बैक विद द आई मेकअप. सो यहाँ पे मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ. ऑलरेडी मेरे आईज पे काजल थे बट आई एम जस्ट अप्लाइंग इट ओवर द टॉप ताकि कलर जो है वो और डार्कन हो जाए. I need to ask you something quickly, my dear. Why do you always settle for something less? You know that. So next मैं यहाँ पे ले रही हूँ आईब्रो का एंगल्ड ब्रश एंड उसके साथ मैं काजल को यहाँ पे स्मज कर लूँगी ताकि एक स्मजी इफेक्ट मिले एंड साथ में आउटर कॉर्नर में एक छोटू सा विंग मैं यहाँ पे बना लूँगी ताकि एक रिवर्स विंग टाइप का लुक मुझे अचीव हो पाए. फिर मैं यहाँ पे अंडर आइज पे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट से सेट कर ले रही हूँ ताकि कुछ भी केकी ना लगे.
सो यहाँ पे हो रही है हाइलाइटर एप्लीकेशन एंड यहाँ पे मैं हाथ से ही लगा रही थी क्योंकि मेरे पास ब्रश से लगाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था. सो अपने हायर पॉइंट्स ऑफ द फेसेस पे हाइलाइटर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ. नेक्स्ट कंप्लीटिंग द आई मेकअप विथ टू कोट्स ऑफ मस्कारा. There's no one like you anywhere in the world. You have a strength like nothing I've ever seen. You're like a woman ripped right out of my dreams. Next, यहाँ पे apply कर रही हूँ lipstick, which is somewhere between pink to reddish color का एक shade मैंने यहाँ पे apply किया है. सो माई मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन एंड यहाँ पे हो रही है थोड़ी बहुत एक्सरसाइजिंग टू कम्प्लीट द फुल लुक. एंड सो हियर वी गो एंड हियर इज़ द फाइनल लुक यू गाइज. सो दिस लुक इज़ रियली वेरी मॉडर्स्ट, ग्लैमरस एंड ग्लोइंग एट द सेम टाइम. एंड फेस्टिव सीजन इज ऑन, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस लुक. एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है ये लुक एंड मैं कैसे लग रही हूँ. एंड सो इफ़ यू लाइक दिस लुक देन डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एज सून एज आई अपलोड न्यू बॉर्न. थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.